Good morning everyone, I am Dr. Anshul Sharma, lecturer for botany in SPU PG College, Phalna. आज एक हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है PCR. PCR एक शॉर्ट फॉर्म है और उसका फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. देखिए, ये जो PCR शब्द हम काम में ले रहे हैं, ये बेसिकली एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है वो कहलाता है थर्मल साइक्लर. ज्यादातर हम क्या समझते हैं कि PCR एक इंस्ट्रूमेंट है, पर बेसिकली PCR इंस्ट्रूमेंट ना होके एक प्रोसेस है जिसे कंप्लीट किया जाएगा थर्मल साइक्लर नाम के इंस्ट्रूमेंट में. अब देखिए, जो ये प्रोसेस है PCR और थर्मल साइक्लर जो इंस्ट्रूमेंट है, उसका इन्वेंशन एक साइंटिस्ट ने किया है जिसका नाम कैलीमोलिस था. कैलीमोलिस ने 1985-86 के अंदर इस इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन किया, PCR के प्रोसेस को डिजाइन किया, और इन्हें 1993 में केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया. देखिए, जो ये PCR का प्रोसेस है, इसमें हम क्या करते हैं, लेबोरेटरी कंडीशन में यानी कि इनविट्रो कंडीशन के अंदर DNA के फ्रेगमेंट्स यानी DNA के छोटे टुकड़ों का एम्प्लीफिकेशन करवाते हैं. एम्प्लीफिकेशन करवाने का मतलब है कि हम उनकी बहुत सारी कॉपीज बनाते हैं, यानी कि DNA के एक टुकड़े से आप उसकी बहुत सारी कॉपीज डेवलप करेंगे इनविट्रो कंडीशन में, थर्मल साइक्लर इंस्ट्रूमेंट को काम में लेके या PCR के प्रोसेस को काम में लेके, तब वो प्रोसेस एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA कहलाएगा इनविट्रो कंडीशन के अंदर. अब इस प्रोसेस के लिए एक बहुत जरूरी चीज जो है वो कहलाती है ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स. देखिए, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स क्या होते हैं, ये बेसिकली DNA यानी कि जीनोमिक DNA या cDNA को एम्प्लीफाई करने के लिए काम में लिए जाते हैं. और बेसिकली ये क्या होते हैं कि ये शॉर्ट सीक्वेंसेस हैं, किसके, पर्टिकुलरली RNA मॉलिक्यूल के शॉर्ट सीक्वेंसेस होते हैं, या हम ये कह सकते हैं RNA मॉलिक्यूल के बहुत छोटे टुकड़े होते हैं, जिनको कि हम क्या करते हैं कि जो DNA का वो एरिया जिसे हमें एम्प्लीफाई करना है, या DNA का वो टुकड़ा जिसे हमें एम्प्लीफाई करना है PCR के प्रोसेस के थ्रू, उसके साथ हम इन्हें जोड़ देते हैं, यानी कि प्राइमर्स को जोड़ देते हैं. अब ये जो प्राइमर है, वन स्ट्रैंड DNA के साथ में या DNA के एक स्ट्रैंड के साथ में ये पेयरिंग बना लेता है, उसके साथ में पेयर बना के जुड़ जाता है, और क्या करता है कि DNA के उस एंड पे 3-OH एंड का फॉर्मेशन कर देता है, जो कि फ्री होता है, यानी उसके साथ और किसी की अवेलेबिलिटी या पेयरिंग नहीं हुई होती है. और उसी 3-OH एंड के ऊपर जो DNA पॉलीमरेज एंजाइम होती है, ये DNA पॉलीमरेज एंजाइम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन यानी सिंथेसाइजेशन स्टार्ट कर देती है. यानी प्राइमर ने क्या किया, प्राइमर DNA के एक पर्टिकुलर सेलेक्टेड एरिया पे, सेलेक्टेड एंड के साथ में जुड़ गया. जुड़ने के बाद में वहां पे 3-OH एंड का फॉर्मेशन किया उसने. उस 3-OH एंड को पहचान के उसी 3-OH एंड पे एक्ट करेगी DNA पॉलीमरेज एंजाइम, और वहां पे बनाने लग जाएगी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड चेन. तो ये बेसिक प्रोसेस है किस चीज का, जो कि हमारा PCR का प्रोसेस है. अब देखिए, जो ये PCR का प्रोसेस है या थर्मल साइकिल जो है, वो किस प्रिंसिपल पे, किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है, हम उसकी थोड़ी बात करते हैं. देखिए, जो PCR का प्रोसेस है, ये बेसिकली DNA के सेमी कंजर्वेटिव नेचर को काम में लेता है. यानी कि DNA के जो सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ रेप्लिकेशन है, यानी DNA क्या है, DNA हम जानते हैं कि उसके दो स्ट्रैंड्स हैं. हमने किसी एंजाइम की सहायता से इनको क्या किया, जब इनको अलग अलग कर दिया, यानी इनके दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग कर दिया, तो दोनों स्ट्रैंड्स क्या करते हैं, अलग होने के बाद में अपने सामने पुराने स्ट्रैंड से नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं. ये जो पुराना स्ट्रैंड है जिसे मैं मार्क कर रहा हूं टिक से, ये टेम्पलेट कहलाता है. इस टेम्पलेट के आगे ये DNA टेम्पलेट अपना एक नया स्ट्रैंड, जो कि इसके बिल्कुल अपोजिट पेयरिंग वाला होता है, जो कि DNA की पेयरिंग हम ATCG कॉम्प्लेक्स के थ्रू जानते हैं, वहां फॉर्मेशन होता है नए DNA स्ट्रैंड का, और DNA वापस से अपना डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर पूरा कर लेता है.
यानी डीएनए जब सिंगल स्टैंडर्ड कंडीशन में तोड़ दिया जाता है तो कुछ समय के बाद में वापस से डीएनए अपना डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेता है। तो यही जो प्रोसेस है इसी को कहते हैं हम सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, और ये एंजाइम्स के थ्रू पीसीआर के प्रोसेस में कंप्लीट किया जाता है। और वो एंजाइम पर्टिकुलरली क्या होती है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स दोनों के अंदर पाई जाती है। देखिए नेक्स्ट चीज जो हम प्रिंसिपल के अंदर पढ़ेंगे वो ये है कि जो सिलेक्टेड एरिया है डीएनए मॉलिक्यूल का उसी को हम सेलेक्ट करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, और उस सेलेक्टेड एरिया से हमें एम्पलीफिकेशन रिजल्ट की अवेलेबिलिटी होती है। नेक्स्ट चीज जो है, नेक्स्ट प्रिंसिपल के अंदर हम जो पॉइंट पढ़ेंगे वो ये है कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसकी हम क्लोनिंग नहीं करवा रहे हैं। क्लोनिंग करवाने के लिए हम क्या काम में ले लेते हैं, या तो बैक्टीरियल प्लाज्मिड काम में ले लेंगे या फिर वायरस यानी कि बैक्टीरियोफेजेस हम काम में ले सकते हैं। पर हम इस प्रोसेस के थ्रू यानी पीसीआर के प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं कि डीएनए का एम्पलीफिकेशन करवा रहे हैं, उसकी बहुत सारी कॉपीज का फॉर्मेशन करवा रहे हैं, पर वहां पर हम क्लोनिंग नहीं करवाएंगे। नेक्स्ट चीज जो प्रिंसिपल के अंदर हम समझ सकते हैं वो ये है कि जो बॉर्डर्स है उसके सीक्वेंस की हमें जानकारी होनी चाहिए, यानी कि बॉर्डर जो एरिया है यानी कि लास्ट एंड जो है डीएनए फ्रेगमेंट के जिसको कि हमें एम्पलीफाई करना है उस पर क्या सीक्वेंस है वो हमें पता होना चाहिए, और उन्हीं सीक्वेंस को पता करके हम प्राइमर्स को सेलेक्ट करके उस एरिया के साथ जोड़ के पेयरिंग करवा के नया डीएनए डेवलप करवा सकते हैं। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि जो सीक्वेंस है बॉर्डर पे सेलेक्टेड रीजन के अंदर वो हमें पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट चीज जो है प्रिंसिपल के अंदर वो ये है कि जो ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स होते हैं, देखिए जब क्या हुआ, जब डीएनए का टुकड़ा है जिसे हमें एम्पलीफाई करना है तो ये तो एक छोटा सा टुकड़ा है। अब जब इसको हमें एम्पलीफाई करना है तो हमें एक तो प्राइमर चाहिए, एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। तो पॉलीमरेज एंजाइम तो क्या करती है कि न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना स्टार्ट करती है इसके पेयर्स के ऊपर, पर्टिकुलरली 3- OH एंड से इसकी पेयरिंग बनाना स्टार्ट करती है। तो अब उस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को पता कैसे चलेगा कि इस एंड के ऊपर से पेयरिंग स्टार्ट करनी है, तो वहां पे क्या लग जाता है, वहां पे प्राइमर जुड़ जाता है। तो ये प्राइमर जुड़ने की वजह से क्या होता है कि 3-OH एंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहीं पे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करती है, नया स्टैंड का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देती है। तो ये स्टैंड जो है वो बढ़ता जाता है और इसकी एम्पलीफिकेशन स्टार्ट हो जाती है। तो फाइनली कहने का मतलब ये है कि जो ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स हैं ये डीलिमिट कर देते हैं जो रीजन है डीएनए का जिसे हमें एम्पलीफाई करना है। डीलिमिट करने का मतलब उसकी जो लिमिट है, जो कि उसका साइज रुक गया था, उस साइज को हम बढ़ाने की कंडीशन में ले आते हैं इन प्राइमर्स को काम में लेके। तो ये हमने थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट्स पढ़े किसके बारे में, पीसीआर के प्रोसेस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।